नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। सतना जिले के मझगवा तहसील अंतर्गत ग्राम सेमरवारा में अंधविश्वास के प्रकोप ने एक बच्ची की जान ले ली, जबकि 10 से अधिक लोग बीमार हैं। पिछले कई दिनों से गांव में चल रहे जानलेवा हालातों के बावजूद ग्रामीण किसी तांत्रिक के फेर में फंसकर गांव में ही पड़े रहे। नतीजतन उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक मझगवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पड़ेरी के सेमरवारा में पिछले कई दिनों से उल्टी दस्त की बीमारी ने ग्रामीणों को घेर रखा है। शुक्रवार और शनिवार की रात यहां रामकुमार मवासी की 5 वर्षीय मासूम पुत्री रामकन्या मवासी की उल्टी दस्त से मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग बीमार हो गए। गांव में किसी ने भी अस्पताल जाना जरूरी नहीं समझा और ना ही गांव के बाहर निकले। इलाज के बजाय उन्होंने झाड़ फूंक का तरीका चुना और तथाकथित तांत्रिक रामकृष्ण मवासी के चक्कर में पड़ गए। तांत्रिक ने ग्रामीणों से कहा कि उसने गांव बांध दिया है, इसलिए कोई भी बाहर ना जाए, वो सब ठीक कर देगा। गांव में डायरिया का प्रकोप फैलने की बात कई दिन तक छिपी रही। रविवार को डायरिया से पीड़ित एक महिला और उसके भतीजे को मझगवा अस्पताल लाया गया। उनसे पता चला कि गांव के हालात खराब हैं। जानकारी मिलने पर बीएमओ डॉक्टर रूपेश सोनी मेडिकल टीम और दवाओं के साथ सेमरहा गांव पहुंचे। तांत्रिक के फेर में फंसे ग्रामीणों ने इलाज करवाने और अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने बीएमओ को बताया कि तांत्रिक ने कहा है कि अगर कोई गांव के बाहर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। बीएमओ ने इसकी सूचना सीएमएचओ डॉक्टर एलके तिवारी को दी और एसडीएम जितेंद्र वर्मा को इस बात की जानकारी दी गई। मेडिकल टीम की नाकाम कोशिश के बाद बरौंधा थाना पुलिस सेमरहा पहुंची। पुलिस ने सख्ती दिखाई और गांव के सभी मरीजों को अस्पताल लाए। मरीजों का इलाज जारी है। बरौंधा पुलिस की मदद से 10 ग्रामीणों को मझगवा सीएचसी लाया गया है। भर्ती होने वाले मरीजों में आशा मवासी, बेलाकली, संपत्तिया, राममिलन मवासी, सियाकली, जयलाल मवासी, कृष्णा मवासी, नथुनिया मवासी शामिल हैं। इसके अलावा 2 लोग पहले से ही भर्ती हैं। इनमें 3 ग्रामीणों की हालत नाजुक बनी हुई है। गाँव सेमरहा गांव का केस है। ये खुद अपना बच्चों को, एक तो बच्ची ख़त्म हो गई तत्काल में, एक बच्ची को लेके आए, एडमिट किए, उसको रेफर कर दिया गया सपना के लिए। लेकिन ये अपना झाड़ फूँक के चक्कर में ये गांव के ही भग रहे हैं। गांव वाले ये कह रहे हैं कि हमको नहीं जाना है। अब पूरा गांव ग्रसित है, हम लोग वहाँ जाके देखे हैं गाँव में, लेकिन गाँव वाले वहाँ छुप रहे हैं, जाने को हॉस्पिटल तैयार नहीं है। कितनी भी कोशिश करो, पुलिस वालों को बुलाया गया, पीआर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने, सीएमएचओ साहब, डीएमओ साहब गए, वहाँ सब पूरा देखा गया। लेकिन वहाँ सब लोग, पुलिस भी आई, तब पुलिस वालों के ज़बरदस्ती के कारण वहाँ से लोगों को लाया गया। और उसके बाद भी अब यहाँ से जाने के लिए, मझगवा से डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। किसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मरीजों को बचा लिया जाए। और ये सब लोग हैं बच्चे, अब किसी तरह अब लग रहा है कि बच जाएंगे बच्चे। एक तो जो हुआ सो हुआ, एक दो बच्चे ख़त्म हो गए हैं, किस तरह लग रहा है कि ये बच्चे बच जाए, इसलिए हम आए हैं कि किस तरह लेके जा सकते हैं। अब इनके घर वाले मंजूर नहीं हो रहे हैं, अब इनको थोड़ा सा कर रहे हैं जा सके। मेरा सचिन कुमार नाम है, 108 का पायलट हूँ। लड़का कल से तबीयत डाउन हो गई, एक लड़की की सुबह से अचानक तबीयत डाउन हो गई तो ख़त्म हो गए। इधर 11-12 बजे लेकर आए थे सुबह, फिर अब डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि सपना ले जाओ, तो सपना ले जाओ। जो ख़त्म हुई है, इसी की बहन ख़त्म हुई है? हाँ, इसी का बहन थी। कितने साल की थी वो? 5 साल की थी। इसका इलाज कहीं नहीं कराए, वो अचानक हो गया है, इलाज कराने का समय ही नहीं है। हमारा नाम है अच्छे लाल। पता चला कि सेमरहा गांव में उल्टी दस्त के केस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। जैसे ही हमारी यहां से मेडिकल टीम वहां पे गई उनको रेस्क्यू करने, तो वहां पे जो हमारी मेडिकल टीम को जानकारी मिली कि गांव वाले अंधविश्वास के चक्कर में, तो जो वहां का तांत्रिक है वो उन गांव वालों को ऐसा बोल रहा था कि मैंने गांव पूरा बांध दिया है, अब इनके बाहर अगर जो गांव के बाहर कोई मरीज जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस चक्कर में ये गांव वाले वहां से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब हमारी मेडिकल टीम वहां पे गई, मेडिकल टीम ने वहां पे उपचार दिया, वहां उपचार देने के बाद इनको रेस्क्यू करके मझगवा सीएससी लाना था, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में ये उधर से आने के लिए मझगवा सीएससी तैयार नहीं थे, जिसको हमारी मेडिकल टीम को पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। पुलिस की सहायता लेने के बाद इन सभी, एक यहाँ पहले से सेमरहा का एडमिट था पेशेंट, 7 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके मझगवा सीएससी लाया गया। मझगवा सीएससी में सभी का इलाज चालू है। 2 बच्चे गंभीर हालत में हैं, जिनको हम यहाँ से
जिला अस्पताल के लिए रेफर कर रहे, बाकियों का इलाज यहाँ जारी। ये केवल झाड़फूंक में पड़े थे, इनको किसी भी तरह का इलाज नहीं मिल पा रहा था। इलाज नहीं मिल पाने के कारण ही ये गंभीर स्थिति में आ गए। अगर जल्दी इलाज मिल जाता तो ऐसी हालत नहीं होती, लेकिन ये तांत्रिक के चक्कर में पड़ने के कारण ऐसी समस्या आई। भी समस्या आई इनको रेस्क्यू करने में, लेकिन किसी तरह पुलिस की सहायता से रेस्क्यू करके इनको सभी को मझगांव CSC लाया गया। जहाँ भी ये जानकारी तो पूरी तरह से नहीं कह सकते कैसे हुई है, लेकिन ये पता चला है कि हाँ अंधविश्वास के चक्कर में कुछ ऐसा भी हुआ है। एक किसी उसी जो बच्चे को यहाँ से जिसके रेफर किया जा रहा है, उसकी बहन की ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे डेथ हुई।